हेलो स्टूडेंट, मैं ज्योति मिस। आज के इस वीडियो में मैं आपको अल्फ़ाबेट बताने जा रही हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसे प्रॉपर लाइन पर लिखना। इस कॉपी से आप लोग परिचित हैं, ये इंग्लिश की 4 लाइन वाली कॉपी है। और आज सबसे पहले मैं आपको इसी चारों लाइन के नाम बताऊँगी। सबसे पहले ये जो फर्स्ट लाइन होता है उसका नाम है कैपिटल लाइन, CAPITALLINE, कैपिटल लाइन। नेक्स्ट लाइन का नाम है बेस लाइन, BASELINE, बेस लाइन। थर्ड वाले लाइन का नाम है वेस्ट लाइन, WASTLINE, वेस्ट लाइन। एंड लास्ट फोर्थ वाले लाइन का नाम है टेल लाइन, TALLINE। फर्स्ट वाले लाइन का कैपिटल लाइन, सेकेंड वाले लाइन का बेस लाइन, थर्ड वाले लाइन का वेस्ट लाइन एंड लास्ट फोर वाले लाइन का टेल लाइन। अब हम लोग अल्फ़ाबेट के फर्स्ट लेटर ए लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कैपिटल लाइन से वेस्ट लाइन तक एक स्लैटिंग लाइन ड्रा करेंगे, फिर कैपिटल लाइन से वेस्ट लाइन तक एक और स्लैटिंग लाइन ड्रा करेंगे, फिर इन दोनों के बीच एक स्लीपिंग लाइन ड्रा करेंगे। ये हो गया हमारा कैपिटल ए। अब स्मॉल ए बनाने के लिए बेस लाइन एंड वेस्ट लाइन के बीच एक ऐसे कर्व लाइन ड्रा करेंगे, फिर इसको बेस लाइन तक ले जाएंगे, फिर बेस लाइन से इसे वेस्ट लाइन तक लाएंगे और फिर इसको इस तरीके से बना देंगे। ये हो गया हमारा स्मॉल ए। अब कैपिटल बी बनाने के लिए कैपिटल लाइन से वेस्ट लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन ड्रा करेंगे, फिर कैपिटल लाइन से बेस लाइन तक एक कर्व लाइन बनाएंगे और फिर बेस लाइन से वेस्ट लाइन तक एक और कर्व लाइन बनाएंगे। ये हो गया हमारा कैपिटल बी। स्मॉल बी बनाने के लिए कैपिटल लाइन से वेस्ट लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन ड्रा करेंगे और फिर बेस लाइन से वेस्ट लाइन तक एक कर्व लाइन ड्रा करेंगे इस तरीके से। अब सी बनाने के लिए कैपिटल लाइन से वेस्ट लाइन तक एक कर्व लाइन ड्रा करेंगे। ये हो गया हमारा कैपिटल सी। स्मॉल सी बनाने के लिए बेस लाइन और वेस्ट लाइन के बीच ऐसे कर्व लाइन ड्रा करेंगे, ये हमारा हो गया स्मॉल सी। अब डी बनाने के लिए कैपिटल लाइन से वेस्ट लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन ड्रा करेंगे और फिर कैपिटल लाइन से वेस्ट लाइन तक ऐसे कर्व लाइन ड्रा करेंगे। ये हो गया हमारा कैपिटल डी। स्मॉल डी बनाने के लिए बेस लाइन एंड वेस्ट लाइन से एक कर्व लाइन ऐसे ड्रा करेंगे और फिर उसके बाद इस लाइन को कैपिटल लाइन तक ले जाएंगे, कैपिटल लाइन तक स्टैंडिंग लाइन इस तरीके से कैपिटल लाइन से वेस्ट लाइन तक ऐसे स्टैंडिंग लाइन ड्रा करेंगे। अब ई बनाने के लिए कैपिटल लाइन से वेस्ट लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद कैपिटल लाइन से एक स्लीपिंग लाइन, बेस लाइन से एक स्लीपिंग लाइन एंड वेस्ट लाइन से एक स्लीपिंग लाइन इस तरीके से बनाएंगे। ये हो गया हमारा कैपिटल ई। स्मॉल ई बनाने के लिए बेस लाइन एंड वेस्ट लाइन के बीच एक स्लीपिंग लाइन ड्रा करेंगे, फिर इसको बेस लाइन तक ले जाएंगे स्टैंडिंग लाइन के माध्यम से, फिर बेस लाइन एंड वेस्ट लाइन के बीच एक कर्व लाइन इस तरीके से ड्रा कर देंगे। ये हो गया हमारा स्मॉल ई। अब एफ बनाने के लिए कैपिटल लाइन से वेस्ट लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन ड्रा करेंगे इस तरीके से, फिर कैपिटल लाइन से एक स्लीपिंग लाइन ड्रा करेंगे ऐसे और एक बेस लाइन से स्लीपिंग लाइन ड्रा करेंगे। ये हमारा हो गया कैपिटल एफ। स्मॉल एफ बनाने के लिए कैपिटल लाइन से वेस्ट लाइन तक एक स्लैटिंग लाइन ड्रा करेंगे इस तरीके से और फिर बेस लाइन पर एक स्लीपिंग लाइन ड्रा करेंगे। ये हमारा हो गया स्मॉल एफ।
अब जी बनाने के लिए कैपिटल लाइन से इस तरीके से कर्व लाइन ड्रा करेंगे वेस्ट लाइन तक, फिर इसको बेस लाइन तक ले जाएंगे, बेस लाइन से स्लिपिंग लाइन बनाएंगे और फिर उसके बाद उसको स्टैंडिंग लाइन बेस लाइन से वेस्ट लाइन तक लाएंगे। हो गया हमारा कैपिटल जी। स्मॉल जी बनाने के लिए बेस लाइन एंड वेस्ट लाइन से ऐसे कर्व लाइन ड्रा करेंगे, फिर इसको बेस लाइन तक मिलाएंगे और इसको टेल लाइन से ऐसे ला कर ऐसे कर्व। ये हो गया हमारे स्मॉल जी। कैपिटल एच बनाने के लिए कैपिटल लाइन से वेस्ट लाइन तक स्टैंडिंग लाइन ड्रा करेंगे, कैपिटल लाइन से वेस्ट लाइन तक स्टैंडिंग लाइन ड्रा करेंगे, फिर इन दोनों के बीच स्लीपिंग लाइन ऐसे ड्रा कर देंगे। एच लिखने के लिए स्मॉल एच लिखने के लिए कैपिटल लाइन से वेस्ट लाइन तक स्टैंडिंग लाइन ड्रा करेंगे, फिर इसको इस तरीके से एच बना देंगे। आई के लिए स्लीपिंग लाइन बेस लाइन पर ड्रा करेंगे, फिर स्लैटिंग लाइन बेस लाइन से स्टैंडिंग लाइन कैपिटल लाइन तक, बेस लाइन से कैपिटल लाइन तक ऐसे स्लैटिंग लाइन ड्रा करेंगे और फिर इसको स्टैंडिंग लाइन लाकर थोड़ा सी कर्व कर देंगे। ये हमारा हो गया आई, कैपिटल आई, स्मॉल आई इस तरीके से लिख देंगे। अब जे लिखने के लिए कैपिटल लाइन पर स्लीपिंग लाइन बनाएंगे और कैपिटल लाइन से वेस्ट लाइन तक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे और फिर इसको कर्व कर देंगे। ये हमारा हो गया कैपिटल जे। स्मॉल जे बनाने के लिए बेस लाइन से टेल लाइन तक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, उसको कर्व कर देंगे और ऐसे कर देंगे। ये हमारा हो गया स्मॉल जे। नाउ मोर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।